वेलकम बैक वंस अगेन और इस वीडियो के अंदर हम आई कॉम वन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेजर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन देखेंगे 2015 का तो सबसे पहले एक्सटेंसिव क्वेश्चन जी और एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है वो साथ साथ हम देखते जाएंगे और एंट्रीज़ करते जाएंगे हर वीडियो के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि मैं एंट्रीज़ को स्प्लिट कर देता हूँ ताकि वो एंट्री भी साथ रहे और आपको समझ आ सके आप जिस वक्त इसको सॉल्व करें तो आप इसका जर्नल इकट्ठा बनाइएगा तो वन बाय वन लेते हैं जी सबसे पहले तो क्या करना है जी कि जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस करनी है और कैश और कैपिटल का लेजर अकाउंट्स बनाने हैं ठीक है तो फर्स्ट एंट्री आ जाती है फर्स्ट मार्च 2014 मिस्टर अजमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश टू लैक बिल्डिंग 75,000 एंड फर्नीचर 25,000 सबसे पहली एहतियात के जब भी अकाउंटिंग को आप ट्रीट करें आपने चाहे आप नए भी हैं तो थोड़ी देर के लिए आपने अपने आप को अकाउंटेंट कंसिडर करना है एंड यू आर रिप्रजेंटिंग योर कंपनी आपने देखना है कि कंपनी के अंदर क्या आ रहा है और क्या जा रहा है तो आपके पास वायल रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी आपके पास कैश बिल्डिंग और फर्नीचर ये तीन चीज़ें आपके पास इन फ्लो हो रही हैं तीनों आपके पास आ रही हैं तो तीनों को डेबिट कर देंगे क्योंकि तीनों एसेट हैं आपके लिए कैश बिल्डिंग फर्नीचर और ये क्यों आ रहा है ये आ रहा है जी सरमाए के तौर पे, कैपिटल के तौर पे। तो कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है तो इसको कंबाइन कर लें बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड तो ये सम कर लें तीनों को और थ्री लैख ये बनेगा और ये क्रेडिट में आ जाएगा तो ये तो होगी फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री की तरफ चलते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट फाइव परसेंट अच्छा एक तो सिंपल बात होगी जी गुड्स आप परचेज़ कर रहे हैं आपके पास गुड्स आ रहे हैं परचेजेस को डेबिट कर देंगे कैश आपके पास से जा रहा है कैश को क्रेडिट कर देंगे अच्छा अब दूसरी बात ये है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है इसकी कोई अलग से एंट्री नहीं होती बल्कि आप सिर्फ प्राइस में रिड्यूस कर देते हैं तो फाइव परसेंट सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट है तो फोर्टी थाउजेंड का फाइव परसेंट टू थाउजेंड होगा तो टू थाउजेंड माइनस कर दें थर्टी एट थाउजेंड आगे चलें जी सेवन मार टूजेंड फोर्टीन परचेज़ गुड्स फ्राम अली एंड सन्स फॉर रुपीज़ सिक्स थाउजेंड तो आपके पास क्या आया जी गुड्स तो परचेज को आप डेबिट कर देंगे गुड्स जब भी आपके पास आएंगे आप परचेज़ लिखेंगे जबकि गुड्स के अलावा किसी चीज़ का नाम आएगा तो फिर हम वो नाम लिखेंगे तो गुड्स आपके पास आए तो आपने परचेज़ को डेबिट कर दिया अब आपके पास से गया क्या गया तो कुछ भी नहीं आपने कैश पे नहीं किया अगर कैश पे नहीं किया तो इट इज़ योर लाइबिलिटी टू पे अली एंड सन्स इन फ्यूचर सो लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है तो आप अली एंड सन्स को या अली अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे सिक्स थाउजेंड से आगे चलते हैं ट्वेल्थ मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन की एंट्री सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट टू जैन फॉर रुपीज एट थाउजेंड जैन को आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो आपके पास से क्या गया जी गुड्स आपके पास से चले गए तो सेल्स हो जाएगी क्रेडिट जिस तरह गुड्स आपके पास आते हैं तो परचेज आप डेबिट करते हैं इसी तरह गुड्स जाएंगे तो सेल्स आप क्रेडिट करेंगे और सेल्स आपका रेवेन्यू है और रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है अच्छा अब जैन जो है क्या इसको गुड्स आपने सेल किए तो क्या इससे पैसे आपने लिए नो कहीं भी कैश का ज़िक्र नहीं है तो इसका मतलब है ये आपने उधार के ऊपर आपने जैन को ये गुड्स दिए हैं तो जैन से फ्यूचर में पैसे लेना आपके लिए एसेट है तो ये जैन आपके लिए एसेट है इसको इकट्ठा अच्छा टर्मिनोलॉजी में अगर आप फाइनल अकाउंट्स में देखें तो उसमें सन्ड्री डेटर्स लिखा होता है किसी जगह पे तो सन्ड्री डेटर आपके लिए एसेट होता है तो जैन आपके लिए एसेट है तो 8000 को आप डेबिट कर देंगे उससे आगे चलें जी रिसीव्ड कैश फ्रॉम जैन रुपीज़ सेवेंटी ओके आपके पास क्या आया जी कैश तो कैश को सबसे पहले डेबिट कर दें कितना कैश आया सेवनटी किससे आपने कैश लिया जैन से तो जैन से जिस वक्त आपने कैश लेना था उसे डेबिट किया था अब आपने उससे ले लिया है तो उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दें तो एट थाउजेंड से जैन क्रेडिट हो गया क्योंकि जैन से हमने एट थाउजेंड लेने थे अब क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि ये टू हंड्रेड गया फिर तो टू हंड्रेड आपने उसको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं तो एक्सपेंस है अगर आप ले रहे हैं तो रेवेन्यू है तो एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है तो डिस्काउंट को आपने डेबिट कर दिया आगे चलें जी पेड टू अली एंड सन्स अगेंस्ट देयर अकाउंट रुपीज़ फाइव सेवन फाइव ज़ीरो एंड डिस्काउंट रिसीव टू फिफ्टी पेड टू अली एंड सन्स आपने अली एंड सन्स को पे किया कितना फाइव सेवन फ़ाइव ज़ीरो तो कैश आपके पास से गया कैश को क्रेडिट कर दें फ़ाइव सेवन फ़ाइव ज़ीरो ये कैश किस को आपने दिया अली एंड सन्स को इसको डेबिट कर दें जिस वक्त आपने अली एंड सन्स से परचेज़ की थी तो वो देखें क्रेडिट आपने किया था क्योंकि अली एंड सन्स को पे करना लाइबिलिटी अब उसको पे कर चुके हैं तो लाइबिलिटी आपकी कम हो चुकी है तो उसको कैंसिल कर दें डेबिट कर दें और ये अली एंड सन्स डेबिट हो गया क्योंकि अली एंड सन्स को हमने सिक्स थाउजेंड देना था तो सिक्स थाउजेंड हमने लिखा अब टू फिफ्टी आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो जिस वक्त आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं ये आपके लिए रेवेन्यू है अकाउंटिंग पांच चीज़ों से बाहर नहीं है चाहे कोई अकाउंटिंग का टॉपिक आप उठा के देख लें ये पांच चीज़ें अगर आप समझते हैं तो आपको सब कुछ समझ आनी शुरू हो जाएगी अगर ये पांच चीज़ें नहीं समझते तो जितना मर्ज़ी पढ़ लें भाई अकाउंटिंग आपकी समझ में नहीं आएगी और वो पांच चीज़ें एसेट्स एक्सपेंसेस कैपिटल लाइबिलिटी रेवेन्यू या इनकम जिसमें से एसेट्स और एक्सपेंसेस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बाकी तीनों का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट और फेवरेबल जिस वक्त मैं बोलता हूं तो उसका मतलब है इंक्रीज होना उससे आगे चलें जी गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर रुपीज़ थ्री फिफ्टी जिस वक्त भी ऑनर अपने जतीी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ लेगा तो उसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज़ होगा कैपिटल कम होगा और इसको इस स्पेसिफिक एक्शन को हम क्या नाम देते हैं ड्राइंग का तो ड्राइंग कैपिटल का इन डिक्रीज़ होना कहलाता है तो कैपिटल जिस वक्त इंक्रीज होता है यानी उसका फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है और अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट है अनफेवरेबल मीन कम होना तो ड्राइंग जो है ये डेबिट हो जाएगी अगर कैश विदड्रॉ करता तो हम कैश को क्रेडिट कर देते लेकिन यहाँ पे उसने गुड्स विद्रॉ किए हैं तो मैं पहले बता चुका हूँ गुड्स जहाँ पे भी आएगा परचेजेस का लफ्ज़ लिखा आएगा तो ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट सिक्स थाउजेंड उसके बाद डिस गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट रुपीज़ सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड आपके गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं एक्सीडेंट की वजह से सिक्सटी टू हंड्रेड के तो इधर एक और टर्म को समझ लें कि जिस वक्त भी आपको प्रॉफिट होता है प्रॉफिट का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है क्यों प्रॉफिट हमेशा आपके कैपिटल में ऐड होता है जिसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है और कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है जबकि जब भी लॉस होगा आपको तो उसकी वजह से वो हमेशा कैपिटल में से लेस होता है और कैपिटल का अनफेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है तो ये वजह है सिंपल सी बात याद रखें अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होगा अगर लॉस है तो लॉस हमेशा डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्योंकि इसमें गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं आपके लॉस हुआ है आपको तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और किस चीज़ का लॉस हुआ है गुड्स का तो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बार बार ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि गुड्स जहाँ पे भी आएगा आपने अकॉर्डिंगली परचेजेस ही लिखना है अगर इधर किसी चीज़ का नाम मेंशन होता तो हम वो चीज़ उसका नाम मेंशन कर देते आ, आगे जी पेड सैलरीज रुपी रुपीज़ वन थाउजेंड रेंट सेवन हंड्रेड एंड रिपेयरिंग चार्जेस फाइव हंड्रेड आप इसकी कंबाइन एंट्री करें तीनों के तीनों एक्सपेंसेज हैं सैलरीज भी रेंट भी और रिपेयरिंग चार्जेस भी और एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है तीनों को डेबिट लिखें और ये तीनों पे करते वक्त आपके पास से क्या गया कैश तो कैश को क्रेडिट कर दें और क्रेडिट आपका टोटल आ जाएगा ट्वेंटी टू हंड्रेड उसके बाद जी मार्च ट्वेंटी फोर की एंट्री रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ ट्वेल्व हंड्रेड आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं यानी कि आपको कैश मिल रहा है तो कैश डेबिट कर दें 1200 से क्यों मिल रहा है बिकॉज ऑफ कमीशन कमीशन इज योर रेवेन्यू रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है 1200. उसके बाद आ जाए जी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 10%. परसेंट डेप्रिसिएशन को पहले समझ लें डेप्रिसिएशन इज अ वियर एंड टीयर वैल्यू ऑफ अ फिक्सड एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू डिटेरियोरेशन किसी भी फिक्स्ड एसेट के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ जो टूट फूट होती है यूजेज की वजह से उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं और डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस है एक्सपेंस का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और जिस चीज़ की डेप्रिसिएशन होगी वो उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्यों बिल्डिंग आपके लिए एसेट है डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि ये बिल्डिंग अपनी वैल्यू खो चुकी है ये बिल्डिंग बिल्डिंग जो है ये आप अपनी जो भी वैल्यू वो बताई जाए वो कम हो चुकी है तो इस वजह से बिल्डिंग का एसेट uh, के हिसाब से वो डिक्रीज हो चुकी है तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे अब ये टेन परसेंट है तो हमें कैसे पता लगे कि ये किसका टेन परसेंट है तो ऊपर अगर टॉप पे आप जाएं तो बिल्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगी सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी इसका टेन परसेंट जो कि सेवन फिफ्टी आपका बन जाएगा uh, 7500 फाइव हंड्रेड ये आपका डेप्रिसिएशन के अंदर आपका आ जाएगा अब उन्होंने दो अकाउंट्स आपसे पूछे हैं एक है कैश अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट और ये कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बड़ा इजीली बन जाएगा ये हम अभी देखते हैं अच्छा अब इसका बनाते हैं जी कैश और कैपिटल अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट बनाते हैं तो हर वो एंट्री जिसमें कैश इन्वॉल्व है वो यहाँ पे कंसिडर की जाएगी तो टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट एंट्री के अंदर अगर आप देखें कैश अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है टू लैख से और इसके अगेंस्ट क्या है कैपिटल तो कैपिटल आपने डेबिट क्योंकि कैश डेबिट है तो हमने लेजर अकाउंट में डेबिट में कैपिटल लिखना है उसका जो मुखालिफ होता है जो अगेंस्ट होता है उसको हमेशा लिखा जाता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट में लिखेंगे टू लैख से फर्स्ट मार्च को तो कैपिटल अकाउंट टू लैख आ गया जी फर्स्ट मार्च से अच्छा उसके बाद अगर आप सेकंड एंट्री देखें तो ये परचेज़ ये कैश क्रेडिट हुआ हुआ है यहाँ पे थर्टी एट थाउजेंड से और अगेंस्ट है इसके परचेजेस तो क्रेडिट में हम जाकर परचेजेस लिख देंगे क्रेडिट के अंदर हमने परचेजेस मेंशन कर दिया उसके बाद अगर आप आगे चलें तो थर्ड एंट्री के अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है फोर्थ एंट्री के अंदर है कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ हुआ है सेवनटी एट हंड्रेड से और इसके अगेंस्ट है जैन तो जैन को हम डेबिट में लिखेंगे सेवेंटी एट हंड्रेड से जैन 7800 एट हंड्रेड से डेबिट में आ गया उसके बाद अगर आप आगे चलें तो ये कैश यहाँ पे देखें क्रेडिट हुआ हुआ है और क्रेडिट जो है ये हुआ फाइव सेवन फ़ाइव ज़ीरो से और अगेंस्ट इसके क्या है अली तो अली को हम क्रेडिट में लिख देंगे फ़ाइव सेवन फ़ाइव ज़ीरो तो अली आ गया फाइव सेवन फाइव ज़ीरो क्रेडिट के अंदर उसके बाद अगर आप देखें तो इस एंट्री में कैश इन्वॉल्व नहीं है इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है जबकि इसमें इन्वॉल्व है कैश क्रेडिट हुआ हुआ है 2200 से और इसके अगेंस्ट तीन चीज़ें हैं सैलरीज रेंट और रिपेयरिंग चार्जेस तो तीनों को हम क्रेडिट में लिखेंगे तीनों को हमने क्रेडिट में लिख दिया सैलरीज रेंट एंड रिपेयरिंग चार्जेस इसके अलावा कैश यहाँ पर डेबिट हुआ हुआ है और इसके अगेंस्ट है कमीशन तो कमीशन को हम डेबिट में लिख देंगे बारह से तो कमीशन आ गया ट्वेल्व से और इसके अलावा किसी एंट्री में नहीं है तो उसके बाद ये आपका कैश अकाउंट बन चुका है अब हमने देखना है कि इसकी डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है तो डेबिट साइड जो है वो बड़ी है टू लैख नाइन थाउजेंड तो ये हमने टोटल में लिख देना है दोनों साइड्स पे। और जो साइड इसकी शॉर्टर है वो हमने देख लेना है कि कितनी कम है क्रेडिट साइड शॉर्टर है वन सिक्स थ्री जीरो फाइव ज़ीरो से अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाता बनाना होता है इसमें नहीं बनाना हमने लेकिन अगर बनाना होता तो ये हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड के ऊपर लिखते उसके बाद जी कैपिटल अकाउंट जो हमने बनाना है तो कैपिटल अकाउंट की एक ही एंट्री होगी स्टार्ट के अंदर तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है और इसके अगेंस्ट तीन चीज़ें हैं कैश बिल्डिंग और फर्नीचर तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ये तीनों चीजें हम लिख देंगे कैश बिल्डिंग और फर्नीचर तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर हमने तीनों लिख दी इसके अलावा इसकी कोई एंट्री नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका टोटल हम दोनों साइड्स पे लिख देंगे और ये आ गया इसका बैलेंस बैलेंस आ गया थ्री लैख शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसके जी डिफाइन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो इट इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच सेज

आ गया जी डिफाइन द टर्म अलाउंसेज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू डिफेक्ट और फॉल्टी प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड अलाउंस इट इज़ परचेज अलाउंस फॉर द बायर एंड सेल्स अलाउंस फॉर द सेलर अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई फॉल्ट है कोई डिफेक्ट है तो उसके ऊपर जो अलाउंस दिया जाता है उसको हम अलाउंसेज बोलते हैं अगर बायर के सेंस में देखा जाए तो उसके लिए परचेज अलाउंस है अगर सेलर के प्रेफरेंस uh, से देखा जाए तो उसके लिए सेल्स अलाउंस है वाट आर द स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल पांच स्टेजेस हैं ट्रांजैक्शन, जर्नल लेजर सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है ट्रांजेक्शन आपके सामने या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं फिर जर्नल में आप ट्रांजैक्ट करते हैं फिर उसको लेजर के अंदर पोस्ट करते हैं फिर ट्रायल बैलेंस में आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं और फिर आप फाइनल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप बनाते हैं तो ये पांच स्टेजेस हैं अकाउंटिंग साइकिल की व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसिज तो तीनों में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ लाइबिलिटीज़ जो हैं वो एसेट्स जिस वक्त भी बढ़ते हैं इंक्रीज होते हैं जिस वक्त भी कम होते हैं डिक्रीज़ होते हैं आगे लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज जो हैं जिस वक्त भी इंक्रीज़ होती हैं क्रेडिट कम होती हैं डेबिट एक्सपेंसेस एसेट्स की तरह ही हैं बिल्कुल इंक्रीज़ होंगी तो डेबिट डिक्रीज़ होंगी तो क्रेडिट और रेवेन्यू ये आपका इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होगा तो डेबिट अगर एक चीज़ मजीद इसमें ऐड कर ली जाती और वो क्या है जी कैपिटल तो ये आपका अकाउंटिंग पूरी अकाउंटिंग इस टेबल के अंदर कैद है कैपिटल जो है उसका भी फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है अगर कैपिटल यहाँ पे पूछा जाता तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा क्रेडिट डिक्रीज़ होगा डेबिट आगे है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ये देखें ये सारी सिंपल एंट्रीज हैं इसमें एक डेबिट है एक क्रेडिट है एक डेबिट एक क्रेडिट जबकि यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ पर डेबिट में तीन चीज़ें इकट्ठी आपने लिख दी और क्रेडिट में एक चीज़ हालांकि आप चाहते तो आप अलग अलग भी कर सकते थे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट फिर बिल्डिंग अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट फिर फर्नीचर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट तो हमने सिंपल सिंगल एंट्री को हमने कन्वर्ट uh, कर दिया कंपाउंड एंट्री के अंदर तो ये बुनियादी सा फ़र्क है जी इसके बीच में यहाँ पर एक और भी देखें ये देखें सैलरीज रेंट रिपेयरिंग चार्जेस तीनों को इकट्ठा डेबिट करके हमने क्रेडिट कर दिया तो ये कंपाउंड एंट्री तो जिस वक्त भी आप एक अकाउंट डेबिट एक क्रेडिट करते हैं तो वो सिंपल एंट्री कंसिडर की जाती है जबकि आपके डेबिट या क्रेडिट में मोर देन वन अकाउंट्स होंगे तो वो कंपाउंड एंट्री क्या लाएगी अब आगे अगर इसके एम सी की देखें तो पहला विच ऑफ द फॉलोइंग कन्सेप्ट इज अजूम दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड ला मुतना टाइम पीरियड इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए जिस वक्त बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो इसको गोइंग कंसर्न कन्सेप्ट बोला जाता है कैश पेड टू नदीम विल इफेक्ट आप देखें सबसे पहले कैश पेड टू नदीम एंट्री क्या बनती है नदीम टू कैश तो इसके अंदर दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं कैश एंड क्रेडिटर टी अकाउंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ लेजर लेजर की सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो टी अकाउंट कहलाती है एक साइड पे आप डेबिट लिखते जाते हैं एक साइड पे क्रेडिट क्रेडिट द इंक्रीज़ इन आप देखें ये ऊपर टेबल में भी बार बार ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि कौन सी तीन चीज़ें हैं जो कि इंक्रीज़ जिस वक्त होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं तो तीन चीज़ें लाइबिलिटीज़ कैपिटल और रेवेन्यू तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका आगे देखें आप बिज़नेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो एट लीस्ट टू अकाउंट्स को इफेक्ट करती है दो अकाउंट्स को वो कम अज़ कम इफेक्ट करेगी आगे आ जाता है जी इफ द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर इक्वल देन अकाउंट विल शो ज़ीरो बैलेंस अगर दोनों साइड्स ये जहाँ पे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो हम पिछले प्रीवियस काफी क्वेश्चंस के अंदर ऐसा भी हुआ कि कोई बैलेंस नहीं आया यानी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आ गई तो जिसका बैलेंस जीरो कंसिडर किया जाता है और उसको फिर हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं करते लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड जो लेफ्ट साइड होती है वो हमेशा डेबिट साइड होती है राइट साइड हमेशा क्रेडिट अ बुक विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसिस इज कॉल्ड पेटी कैश बुक पेटी कैश बुक वो ये बुनियादी तौर पे कैश बुक का ये क्वेश्चन एम सी हुआ है लेकिन इधर मैंने मेंशन कर दिया इसको कि पेटी कैश बुक जो है ये पेटी कैश बुक वो बुक होती है जिसमें आप रोज़मर के छोटे छोटे एक्सपेंसेस आप ऑफिस में बैठे हुए या आपने कोई पेन मंगवा लिया आपने कोई चाय मंगवा ली तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो कैश बुक होती है उसको पेटी कैश बुक बोला जाता है अ कैश अकाउंट ऑलवेज़ शोज़ ये पहले भी आ चुका है कि आम तौर पे हमेशा कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा तो ये था जी आपका 2015 का पेपर और आप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन टॉपिक्स के ऊपर मजीद क्वेश्चंस को भी देखेंगे और इन वीडियोस को रिविज़िट करके इनको ज़रूर आप कंसल्ट करें देखें इनके ऊपर खुद प्रैक्टिस करें जर्नल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस टेक्निक है वो आपको आ जाती है लेकिन जर्नल जो है वो बनाना एक स्किल है वो एक आर्ट है जबकि लेजर और ट्रायल बैलेंस आपको एक भी समझ आ जाए तो वो सारे बनने शुरू हो जाते हैं ट्रायल बैलेंस का भी यही केस है ट्रायल बैलेंस भी आपका लेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक समझ आ गया तो सारे समझ आने शुरू हो जाएंगे तो अगर आप मजीद इसके ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो और टिल द नेक्स्ट वीडियो ब्लेस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर पर्सनज अराउंड यू थैंक यू